गुड मॉर्निंग। आज है डे टू इन मैनचेस्टर और अभी कितने बज रहे हैं? 11 बजने वाले हैं और अभी हम रूम से निकल रहे हैं और हम थोड़ा सा कुछ नाश्ता करेंगे। और अगर आप यूके में आते हैं, आपको अगर हॉट फूड चाहिए नाश्ते के लिए, सो M&S में जाइए, वहाँ पर हॉट फूड के ऑप्शंस मिलते हैं। तो इट्स गुड कि आप M&S से हॉट फूड लो, उसको ऐसे ही जाते जाते खा लो एंड फिर आप पूरे दिन का ट्रिप करो, फिर जहाँ भी खाना खा सकते हैं। सो हम अभी M&S जाएंगे, वहाँ पर हॉट फूड लेंगे और उसके बाद हम जाएंगे आज साइंस एंड इंडस्ट्री म्यूजियम, और उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो हम जाएंगे फुटबॉल म्यूजियम, और मेरे हस्बैंड जाएंगे आज 4:30 पे एतिहाद स्टेडियम में। मैं नहीं जा रही बिकॉज मुझे उतना अभी फुटबॉल फैन नहीं हूँ। और ये रहा इवान, हे स्माइल। ये रहा प्रीमियर इन, यहाँ हम रुके हुए। यहाँ पर जो हमारे प्रीमियर इन के पास में जो M&S है वो है रेलवे स्टेशन के अंदर पिकेडिली, मैनचेस्टर पिकेडिली में। सुबह से खाना लेंगे। और ये रहा बस स्टॉप, यहाँ से आपको फ्री बसेस मिलती है, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको, सिटी में घुमाता है ये बस। और हमें M&S में हॉट फूड तो मिला नहीं यहाँ के M&S में, तो अभी हम स्टारबक्स की कॉफ़ी पियेंगे। कॉफ़ी हो गया हमारा खाना पीना सॉरी, और अभी हम कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे फिर जाएंगे। तब से हम ब्रेकफास्ट के ही सोचे जा रहे हैं, कब ब्रेकफास्ट करेंगे, कब पेट भरेंगे। अभी हम बस नंबर 1 पकड़ के यहाँ पर कौन से स्टॉप पर उतरे, कोई तो एक स्टॉप है, अब यहाँ से हम वॉक करके जाएंगे कहाँ, साइंस एंड इंडस्ट्री म्यूजियम। हमने M&S से ये लिया है सर्दन फ्राइड चिकन बर्गर और इसका कॉस्ट है 2.60 pounds, थोड़ा कॉस्टली है मतलब इंडिया के हिसाब से 260 INR। और ये मैंने आधा खाया है और आधा निर्माण के लिए रखा है, सो ये दिखा रही हूँ। अंदर है चिकन है और ऊपर बर्गर है, बर्गर बंस है और अच्छा है, थोड़ा नमक कम है बट चलता है, गर्म तो है एटलीस्ट। और ये हम लोग आ गए हैं साइंस एंड इंडस्ट्री म्यूजियम। तो ये रहा टिकट हमारा साइंस एंड इंडस्ट्री म्यूजियम का एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर आप फ्री में देख सकते हो और अगर आप चाहे तो डोनेशन दे सकते हो, ये आपके ऊपर है। और उन लोग ने साथ में हमें एक मैप पकड़ा दिया, इस मैप में सब डिटेल्स है कि आप कहाँ कहाँ क्या क्या देख पाओगे, ताकि हमारे लिए कन्वीनियंट हो। ये जो कार है ये मिस्टर रॉयस का था, रोल्स रॉयस के जो रॉयस है उनका था एंड इट्स हिज पर्सनल कार। और सॉरी बैकग्राउंड में इवान की आवाज़ आ रही होगी आपको रोने की, इग्नोर दैट। तो ये मिस्टर रॉयस की पर्सनल कार है, उनके जो किसने दिया था कोई एक इंजीनियर ने, उन्होंने उनको एक प्रोटोटाइप दिखाया था। हाँ, जो कि उनको बहुत पसंद आया, उनको पसंद आया और यहीं से उनके जो ब्रांड का शुरुआत। और ये रहा हमारा इवान जो कि अपने स्ट्रॉलर पे रो रहा था, अब इसको गोदी में लेना पड़ा बट हम ज़्यादातर गोदी में नहीं ले सकते, हाथ दर्द हो जाते हैं ना। ओ बदमाश, सॉरी दुष्टू चले दुष्टू भी करे, नॉटी बॉय इवान। ये रहा नॉटी इवान जो कि मेन जगह पे आके रोता है, जब रोना रहेगा तब नहीं रोएगा। तो आप ये देख सकते हैं ये वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर है विच कैन रन अ स्टोर्ड प्रोग्राम, आप इसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ सकते हैं पॉज करके। बेसिकली इसका नाम था बेबी, इतना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, जस्ट इमेजिन। 1800 के पहले जो भी मेटल वर्क होता था वो हम लोग हैंड, वो जो तब के लोग हैंड से करते थे। तो उसके बाद मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स मिलके ये वाले मशीन डेवलप किए, जिससे जो मेटल के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो
बहुत ही प्रिसिशन से प्रेसिशन वर्क हो जिसमें, और काफ़ी यू नो एग्जैक्टली साइज का वो बना पाए, मेटल्स का मेटल पार्ट्स बना पाए। तो ये है कॉटन मेकिंग मशीन्स, जो कि कॉटन इंडस्ट्रीज में बहुत यूज़ हुआ करती थी इन द ईयर 1800s। और इस मशीन्स जो इन्वेंट किए गए थे बिकॉज ऑफ दीज मशीन्स, मैनचेस्टर फ्लरिश्ड एज अ कॉटन प्रोडक्शन हब, जो कि पूरे वर्ल्ड में सप्लाई हुआ करता था। एंड थैंक्स टू दीज मशीन्स की एट स्केल दे वर एबल टू प्रोड्यूस कॉटन टेक्सटाइल्स एंड स्टफ। सो बहुत अमेजिंग हिस्ट्री है। हाँ, और बिकॉज ऑफ दिस बूम इन कॉटन इंडस्ट्री, मैनचेस्टर को कॉटन पॉलिस भी बोला जाता था पहले। अभी हम आ गए हैं लेवल वन में, इसके पहले लेवल ज़ीरो पे थे। और लेवल वन पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स टाइप का कुछ कुछ है, और प्ले जोन टाइप का बच्चों के लिए अच्छा है यहाँ पे। और एवन शेक हैंड, हैंडशेक, वेरी गुड। एवन ट्राइंग टू होल्ड हिज हैंड, और ये कामयाब होते हुए शेक हैंड में। कौन सा असली है, कौन सा रियल है? हमारा साइंस एंड इंडस्ट्री म्यूजियम घूमना हो गया है, उसमें 2-3 घंटा लगा था हमें। ऊपर काफ़ी अच्छा प्ले जोन टाइप का है, नीचे थोड़ा बहुत मशीन्स रखी हुई है। ओके है, फ्री ऑफ कॉस्ट में है, और इससे अच्छा मुझे कोलकाता का साइंस म्यूजियम लगा था, टू बी फ्रैंक। ओके, और अभी हम लोग आए हैं लंच के लिए इत्सू में आपको जापनीज फूड मिलता है, सुशी, कत्सु करी, जापनीज करी, कुछ नूडल्स। सो हम लोग अभी वही लंच करेंगे, और आई विल गो बैक टू द रूम, एंड अनिर्बान आगे का व्लॉग कंटिन्यू करेगा। वो अभी जा रहे हैं फुटबॉल म्यूजियम में, म्यूजियम नहीं सॉरी, फुटबॉल स्टेडियम में। ये है कत्सु करी, एंड दिस इज जापनीज करी, यूडोन नूडल्स। गाइस, मैं अपना ये वाला व्लॉग इधर ही एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको फुटबॉल स्टेडियम दिखाने वाली हूँ, जहाँ पर अनिर्बन गया था। उसके लिए वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। बाय।